नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगा कि Redmi फ़ोन से किसी भी वाईफाई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। Redmi फ़ोन से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो चलेगी गए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने Redmi फ़ोन के होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वाईफाई की आइकन को लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करना। प्रेस करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वाईफाई की बटन के आइकन को टैप करके वाईफाई को ऑन कर लेना। वाईफाई को ऑन करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार की ऑप्शन आ जाता है, जिसका भी मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट ओपन रहेगा यहाँ पर वो शो होने लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जिसका भी हॉटस्पॉट ओपन है उसे एक बार टैप कर लेना। टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार का एक पॉपअप पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, हॉटस्पॉट का पासवर्ड डालना है 8 अंक का। और पासवर्ड लिख लेने के बाद यहाँ पर कनेक्ट पर एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर हमारा वाईफाई दूसरे मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुका है। अब हम दूसरे मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पर ज़रूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही। या जय हिंद, वंदे मातरम।